फ्रेंड्स, आप जब भी कोई करियर चूज करें तो पहले ये जरूर याद रखें क्या वो करियर आपको एक्साइट करता है या नहीं। मैं 10+2 का एक स्टूडेंट था जब मैं ले मेरिडियन होटल न्यू दिल्ली में गया और उस 5-स्टार प्रॉपर्टी को देख के मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ और मेरे मन में एक्साइटमेंट इस प्रोफेशन को लेकर आई, इसलिए मैंने होटल मैनेजमेंट चुना। उसके बाद जब मोटिवेशनल स्पीकिंग को परस्यू करना शुरू किया तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि आपके शब्दों का प्रभाव से किसी का माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है। सिमिलरली इन दिस करियर गाइडेंस सीरीज हमारा उद्देश्य यही है, आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाए ताकि यंग स्टूडेंट्स ये डिटर्मिन कर सकें क्या ये चीज़ मुझे एक्साइटिंग लग रही है नहीं। और आज जिस फील्ड में मैं इन डेप्थ और जाना चाहता हूँ वो है उसके बारे में बताने से पहले मैं बताऊं कि इमेजिन करें कि सुबह 6 बजे जैसे ही आपका अलार्म ऑन हुआ है तो आपकी अलार्म क्लॉक ने एक मैसेज भेज दिया आपके टोस्टर को, और आपके टोस्टर में जो आपने ब्रेड डाल के छोड़ी थी वो टोस्ट होकर रेडी हो गई है। आपकी कॉफ़ी मशीन में आपकी कॉफ़ी ब्रू होना रेडी हो गई है, और अगर बहुत गर्मी थी तो आपका कार का एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। और ये सारी चीज़ें किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा नहीं है, ये सारी चीज़ें संभव हैं विद एन एक्साइटिंग न्यू फील्ड जिसे IoT कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। योर वेयरेबल वॉच इज़ कनेक्टेड विद योर फोन इज़ कनेक्टेड टू योर पीसी इज़ कनेक्टेड टू मल्टीपल डिवाइसेज, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। एंड कहा जाता है बिलियंस ऑफ डिवाइसेज ऑनलाइन होंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो पहले नहीं भी इमेजिन की जा रही थी, लाइट बल्ब से लेकर फैन से लेकर एयर कंडीशनिंग से लेकर टू मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, दे आर ऑल गोइंग टू बी कनेक्टेड थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक 5G विच विल कम टू इंडिया विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेटा। और जैसे डेटा की कॉस्ट कम होती है ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी और ये फील्ड और इन डिमांड होगा विच इज़ कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अनुराग सर, वेलकम बैक। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस दिया and we are eager to know more about Internet of Things. मैंने एक वीडियो देखी टेस्ला के ऑटो पायलट के बारे में, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग कि कितने मल्टीपल कैमराज लगे हुए हैं उसके आसपास, उन सारे कैमराज की जो इनपुट है कार में जा रही है उसके ऊपर निर्भर करके वो ऑटो पायलट चल रहा है। एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई, एंड वही कार में ही जो सिस्टम फिट है वो होम लॉक को मैसेज भेज रहा है बी ऑनर आ गया है, सो बाय द टाइम यू गेट देयर AC ऑन है, रूम खुल चुका है। और ये तो एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर इंडस्ट्री में और एप्लीकेशंस होगी। एक 10+2 का जो यंग स्टूडेंट है जिसने शायद इसको मूवीज में देखा है, जो शायद इसको साइंस फिक्शन समझता है, उसको बताने के लिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फील्ड में क्या ऑप्शंस हैं और स्पेसिफिकली आपके बीटेक कोर्स में कैसे ये स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं और क्या बनेंगे क्या जानेंगे, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, एज यू आर राइटली सेड दैट दिस फील्ड इज वेरी पावरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। आपने कई एग्जांपल्स बता ही दिए ऑलरेडी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल और बताऊंगा जी। लाइक इन आवर होम वी हैव रेफ्रिजरेटर, राइट? तो हाउ यू फील इफ योर रेफ्रिजरेटर विल ऑर्डर टू अमेज़न फॉर बटर? नाइस। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका रेफ्रिजरेटर बटर खत्म हो गया है तो वो अपने आप अमेजन से ऑर्डर कर देगा एंड बाय वेरी नेक्स्ट डे यू विल गेट द बटर। क्या बात, मींस आपको अपने काम में ध्यान देना है, आपको ये नहीं चिंता करनी घर में बटर है कि नहीं है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ IoT, राइट? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, यू कैन से इंटरनेट ऑफ थिंग्स जी। तो नाम से ही पता चलता है कि थिंग्स का इंटरनेट। तो पहले अब हम सिर्फ इंटरनेट की बात करते होते थे। एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है बेसिकली कि इन 2020 वी हैव वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अराउंड यू कैन से 7.8 बिलियन, दैट्स राइट, एंड नंबर ऑफ थिंग्स पॉपुलेशन इज 50 बिलियन। गॉश, यानी एक पर्सन के पास कितने, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक यू हैव 2-3 फोन्स, आई हैव 2-3 फोन्स विद लैपटॉप, मींस एवरी हाउस इफ वी आर 2 पर्सन वी हैव मोर गैजेट्स देन पर्सन्स, राइट? So by 2024, the things are doubling. Ji. Means devices would be, it may be 100 billion, right? So population is growing, but the population of things is more growing. यानी लोग शायद कम हो जाएंगे और devices ज़्यादा हो जाएंगी कि one person is owning multiple devices. Yes. Right. So this field is very interesting because इसमें hardware और software दोनों का combination है. Okay. Like आप हर किसी field के बारे में बात कर लो, चाहे आप health care में बात करो, चाहे आप फार्मिंग के बारे में बात कर लो, चाहे आप एजुकेशन के बारे में बात करो, हर चीज़ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स चाहिए ही चाहिए। और स्टूडेंट्स को किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, किस तरह से उसको इंटरनेट पे डालना है, किस तरह से उसको एनालाइज करना है,
तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ IoT. सो स्टूडेंट्स को कैसे डिवाइसेस को इंटरनेट पे डालना है, कैसे उनकी आपस में बातचीत करानी है, और किस तरह से इंटरनेट पे डालना है, किस तरह से उसको डाटा को एनालाइज करना है. ओके, तो ये सारी चीजें, ये एक कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी यू कैन से. ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू कैन से सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, देन माइक्रो कंट्रोलर इज देयर, देन क्लाउड कंप्यूटिंग इज देयर, देन डाटा एनालिटिक्स देयर. ये सारी चीजों को कंबाइन करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनता है. डॉक्टर अनुराग, इन अ हैंड्स ऑन फील्ड लाइक दिस, एंड आई बिलीव नॉट ओनली हैंड्स ऑन, इन अ एवर चेंजिंग फील्ड लाइक दिस, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स काफी इंपॉर्टेंट रहती होंगी, सो दैट स्टूडेंट्स को जो लेटेस्ट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रही हैं, उनके बारे में पता चले. कैन यू टेल अस व्हाट यू हैव इन प्लेस एट GNA हियर, सो दैट स्टूडेंट्स लर्न द बेस्ट. एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव अ बैकअप ऑफ इंडस्ट्री. ओके, सो फॉर एवरीथिंग वी हैव इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोचेस, लाइक फॉर IoT स्पेशली वी हैव कोलैबोरेशन विद Oracle. ओके, सो Oracle इज प्रोवाइडिंग अस करिकुलम, एंड we along with Oracle is teaching students that curriculum which is provided by the Oracle. Wow. So that is the beauty of this university, that we have industry orientation for each and every course. Mm-hmm. Because our focus is on skill, right, not on simple education, you can say traditional education. So you've partnered with the best in the business. Yes. Oracle has been one of my clients also for one of my keynote speeches as well in the past, and I'm sure with such a strong partnership that students are ready for the industry, because they are learning from the industry. So it's not ki pehle kuch unhone aur yaad kiya, kuch aur padhe, aur suddenly jaise market mein gaye to discover kiya ke kuch aur chal raha hai. You already have that partnership in place. I'm eager to know more about कैसे रोल्स, ये जो बीटेक आपकी फर्स्ट ईयर में तो आपने बताया सबके लिए कॉमन है, उसके बाद किसी ने IoT सिलेक्ट किया, साइबर सिक्योरिटी सिलेक्ट किया, तो जो बच्चे IoT सिलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए आप कैसे रोल्स में उनकी रिक्रूटमेंट होती होगी, कैसी सॉर्ट ऑफ कंपनीज हायर करती हैं, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ करियर प्रॉस्पेक्ट्स आर देयर फॉर देम. देयर आर प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, लाइक ह्यूज जायंट्स लाइक गूगल, IBM, सिस्को, दे ऑल आर the big recruiters of this field. Okay. So basically like students with profile hardware engineer, IoT engineer, network administrator. Mm-hmm. So these kinds of profile with a good package. You can imagine like the package of IoT engineer is around 16% higher as compared to IT professionals. Wow. As compared to someone who's just got general IT skills. General you can say IT engineering or CS engineering. Mm-hmm. If they have done IoT with specialization with IoT, they'll get 16% more. Okay. As a fresher package. On an average. Yes. So this is a specialized, we teach hardware and software as well in IoT along with Oracle. Great. So maine Forbes magazine mein padha tha ki everything that can be connected will be connected. Yes. Aapki conversation se bhi yahi cheez clear hui hai ki aane wala future interconnected hoga, car se leke, watches se leke, toaster se leke, everything is going to be connected, and that is what the Internet of Things is. Things is billions of devices are going to be on this platform, and therefore I believe kitni opportunities jo hain is field mein, khas karke in a developing nation like India, aur ubhar ke samne wale aane wali hain, kyunki thanks to 5G network which is coming in very soon, we will have a higher data speed and people will have access to internet even, across even the world. I want to add one more thing, like during pandemic whole industries were shut down. Ji. But this field was the field which was grown. Okay. You can say. Okay. Like you have seen in some countries, like we have delivery of groceries through drones. Ji. Online education, online monitoring, mm-hmm. remote access to the cameras, remote access to the storage devices. Mm-hmm. That is all with IoT only. So IoT is an exciting field. If the internet excites you, if devices excite you, and if connecting and putting them together in creative way excites you, IoT is a field that you should explore. To know more, visit the GNA official website, which is www.gnauniversity.edu.in. And thank you for watching this Career Guidance Series.